गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम साला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश का हर युवा बहुत ही लंबे समय से कर रहा है। क्यों लंबे समय से कर रहा है बेटा? क्योंकि उसे 1.5-2 साल से बोला जा रहा है अब वैकेंसी आएगी और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वो वैकेंसी लॉन्च कर दी है। तो बेटा अब वो समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये वो समय है जब आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और तब तक तैयारी करनी है जब तक आपका फाइनल पेपर ना निकल जाए। ये नहीं सोचना है कि सर आज तो रात के 10 बज गए अब हम सो जाएं। आपको अब सोना नहीं है, अब आपको तभी सोना है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपके उस सपनों की वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमारी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई युवा ऐसा नहीं होगा जिसको ये वैकेंसी के बारे में आज जानकारी ना हो। बिल्कुल सही समझा। हम लोग आज जब बात करने जा रहे हैं जो अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी दी है गवर्नमेंट ने, बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी लॉन्च करी इस बार गवर्नमेंट ने। तो कोई आपके पास चारा नहीं है कि आप ये बोल सके कि नहीं वैकेंसी कम थी, समय कम था। आपके पास समय भरपूर है। क्यों समय भरपूर है हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। और शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का युवा होगा जिसने कभी ये सपना ना सजाया हो कि सर हमारे सर पर भी कभी टोपी सजे। तो इस बार टोपी सजेगी, बस टोपी सजाने के लिए आपको बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी। चूकना नहीं है क्योंकि पता नहीं दोबारा वैकेंसी फिर कब आएगी। तो लग जाइए, डट जाइए। साथ ही साथ आपको चीज और बताना चाहेंगे, कई बार ये जो सपना है कि सर में टोपी सजेगी, ये सपना सपना बन के ही रह जाता है। क्यों रह जाता है बेटा ये सपना सपना बन के? क्योंकि बच्चा जब फॉर्म फिल करता है तो कई बार वो जल्दबाजी में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देता है। कई बार वो फॉर्म तो फिल करता है लेकिन वो चेक ही नहीं करता है कि आखिरकार वो फॉर्म फिल करने के एलिजिबल है भी या नहीं है। वो देखता है कि बस फॉर्म आया, फॉर्म फिल कर दो। क्या क्या हमें पता होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करते समय, ये सारी बातों के जवाब लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो बिल्कुल सही, टोटल पोस्ट के बारे में हम लोग अगर आपसे बात करें तो 9534 पोस्टें गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च करी है। और इन सभी पोस्टों को गवर्नमेंट ने कुल 3 भागों में तोड़ रखा है। सबसे पहला पार्ट और उसने सब इंस्पेक्टर एसआई के बारे में तोड़ा है, दूसरा उसने पलटन कमांडर और तीसरा उसने फायर ऑफिसर के बारे में दिया है वैकेंसी। सबसे पहले अगर हम बात कर ले सब इंस्पेक्टर के बारे में तो सब इंस्पेक्टर में कुल मिला के 9027 पद खाली है। अगर हम बात कर ले पलटन कमांडर के बारे में तो कुल मिला के 484 पद खाली है बेटा। और अगर हम बात कर ले फायर ऑफिसर के बारे में तो कुल मिला के 23 पद खाली है। तो बेटा बहुत ही ताबड़तोड़ वैकेंसी आई हुई है, रुकना नहीं है बेटा। एक बार रुक गए तो बेटा समझ लो सब काम खत्म हो गया। अब बेटा एक चीज आप कौन समझाना चाहेंगे सर कि आखिरकार इन सभी पोस्टों को फिल करने के लिए आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ा सा 2 तरीके से क्वालिफिकेशन चेक करी है। कैसे समझिएगा, अगर बेटा आप फॉर्म फिल करना चाहते हो यूपीएसआई का, जिसकी टोपी आप अपने सर पे सजाना चाहते हैं, या पलटन कमांडर का, तो आपको बैचलर डिग्री होल्डर होना पड़ेगा। आपके पास ग्रेजुएशन आपका पूरा होना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार गवर्नमेंट को। लेकिन बेटा अगर आपका सपना है फायर ऑफिसर बनने का, तो गवर्नमेंट ने इसकी वैकेंसी तो कम रखी रखी है लेकिन एक चीज जोड़ दी है कि सर आप बैचलर डिग्री तो हो लेकिन किस स्ट्रीम से? साइंस स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो। तो जिन लोगों ने बीएससी साइंस से कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर कोई कैंडिडेट है जिसने साइंस से नहीं किया हुआ है या बीए किया हुआ है तो उसके पास और ज्यादा तगड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर और पलटन कमांडर का कुल मिला के लगभग लगभग हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से 9500 पद खाली है। लगभग लगभग पूरी वैकेंसी इन दोनों के ऊपर छाई हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद अगर बेटा हम बात कर लें कि आखिरकार फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग का एंडिंग डेट क्या है, तो सबसे पहले बेटा जब बता दें आपको कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 30 दिन तक, पूरा 30 अप्रैल 2021 तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। बेटा एक चीज और हम आपको बता दें, खतरों के खिलाड़ी मत बनना, खतरों के खिलाड़ी ना बनना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है तो ताबड़तोड़ तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। जिस तरीके आप सोचते हैं कि कोई नहीं आगे फॉर्म फिल कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। और जब वो बहुत सारे लोग एक साथ फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सर्वर
बर्बाद हो जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही फॉर्म फिलिंग की डेट ओपन हो जाए आप पहला काम करेंगे क्या, फॉर्म फिल कर देंगे। दूसरी चीज, अभी जैसे आप एसएससी या बैंक का फॉर्म भरते तो आप जानते हो कि फॉर्म फिल करने के एक या दो दिन बाद पेमेंट के लिए डेट बची रहती है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सीधा ही कर दिया क्या, पेमेंट की डेट सीधा उसने लास्ट डे ही रखी है कि आपके फॉर्म फिल और फॉर्म की एंडिंग डेट फिक्स है 1 से 30 के बीच में, इसी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है और इसी के बीच में आपको पेमेंट भी कर देनी है। तो आखिरी दिनों का इंतजार ना करें, जैसे ही हमारा फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो आप अपना फॉर्म फिल कर दें। अब आप देखिए कि लगभग हमारे पास पूरा 1 महीने के आसपास अभी बचा हुआ है, तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। इसके बाद अगर हम बेटा आपसे बात कर लें एज के बारे में, बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा, क्योंकि सपना तो सब सजाते हैं लेकिन कई बार वैकेंसी इतना लेट आती है कि वो सपने एज के रेशियो में बहुत आगे हो चुके होते हैं। तो एज के बेटा फैक्टर हम बताना चाहेंगे कि मिनिमम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर होनी चाहिए, मतलब आपकी उम्र 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। और एक बिंदु आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर इस बार गवर्नमेंट एज किस डेट से कैलकुलेट करेगी, तो आपको स्लाइड में साफ साफ दिख रहा होगा कि इस बार गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि सर हम इस बार 1 जुलाई 2021 से आपकी एज को कैलकुलेट करेंगे, कि 1 जुलाई 21 को आपकी मिनिमम एज 21 हो या मैक्सिमम एज आपकी 28 हो, इन दोनों के बीच में आपकी एज को लाई करना पड़ेगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज शायद आप फॉर्म फिल ना कर पाए। इसके बाद बेटा अगर हम आपसे बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास एज भी है, लेकिन सर अगर आप हमारी तरीके हाइट से अगर मात खा रहे हैं तो आप फॉर्म तब भी नहीं फिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी में आते हैं तो सर आपकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी कंपलसरी है, लेकिन अगर बेटा आपकी कैटेगरी एसटी में है तो 160 सेंटीमीटर कैंडिडेट लंबा जो है वो भी फॉर्म फिल करेगा और सिलेक्शन लेगा। इसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी है जनरल ओबीसी या एससी है तो आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 147 पर भी आपको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। अब कई बार बच्चा सोचता है सर 168 हो एग्जैक्ट तो भी आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा किसी भी 175 170 वाले को देख करके कि सर ये तो बड़ा लंबा है। कोई बात नहीं, लंबा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी में जो विज्ञप्ति निकली है उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि 168 मांगी गई है, आपकी 168 है, तो आप पूरे पूरे हकदार हैं अपनी टोपी के और उम्मीद है आप इस बार टोपी लेकर के जरूर रहेंगे। अगर बेटा हम बात कर रहे हाइट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेटा जितनी तैयारी आपको रिटर्न निकालने में करनी पड़ेगी ना उतनी है, उससे थोड़ी सी ज्यादा आपको तैयारी रनिंग निकालने में करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न निकालने के लिए दिमाग चाहिए और रनिंग निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? अब देखो, अब रनिंग की स्पेलिंग गलत देख करके ये मत बोल देना कि रनिंग की स्पेलिंग आती नहीं है, यहाँ देखो सही सही स्पेलिंग लिखी हुई है। अब अगर रनिंग की बात करें, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी हो, मतलब इस बार गवर्नमेंट ने किसी कैटेगरी को रनिंग के लिए छोड़ा नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं आपको 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, सॉरी 4800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, कितनी देर में 28 मिनट्स में दौड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही फीमेल कैंडिडेट हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, इस बार गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी, गवर्नमेंट ने बोला है आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, कितनी देर में 16 मिनट में, मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपकी डिस्टेंस कम कर दी और समय भी कम कर दिया है। अब आपके रनिंग को लेकर के एक आपको मैं टिप देना चाहूंगा कि जैसे मैं आपसे बोल दूं, आप कभी कोई तैयारी करते हो तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब बस एक फिक्स तैयारी करते होगे, आप सोचते हो कि अभी सपोज 10+2 का पेपर तैयार करो तो आप ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन करते हो कि भैया बड़ी प्रिपरेशन करें तो छोटा वाला आराम से सॉल्व हो जाएगा, यही चीज आपको करनी है कहां, रनिंग में। अगर आपसे मेल कैंडिडेट बोला जा रहा है 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में, तो आपको मिनिमम 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए और 2.8 को घटा के मिनिमम 25 कर दो। क्यों हमने आपका टाइम भी कम कर दिया और डिस्टेंस बढ़ा दी? क्योंकि जब आप एक्चुअल रेस में दौड़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ दौड़ रहे होंगे, डस्ट उड़ेगी, भीड़ होगी, तो वहां पर यह समय आपको
सामान्य रूप से दौड़ने में मदद करेगा। यही चीज आपकी फीमेल के साथ है कि अगर आपको 2.4 बोला जा रहा है तो आप मिनिमम 2.6 2.7 कर दीजिए, और टाइम अगर आपका 16 मिनट है तो इसे घटा के 14 मिनट या 13 मिनट कर दीजिए। मतलब ज्यादा दौड़ो और कम समय में दौड़ो, ज्यादा दौड़ो और कम समय में दौड़ो, इससे आप एक्चुअल रेस में बहुत ही आसानी से रेस अदर कैंडिडेट की कंपैरिजन में कंप्लीट कर लेंगे और आपके सिलेक्शन में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके होंगे। ये तो सारी चीजें बेटा थी फिजिकल के बारे में, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता हुआ आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होगा पेपर में, क्या पेपर में आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितने परसेंट लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट चाहिए, कितने कितने क्वेश्चन का नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो सारे सवालों के जवाब है आपके पास। देखिए अगर हम सिलेबस की बात कर ले बेटा तो चार सब्जेक्ट आएंगे, एक मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगी, और एक चौथा सब्जेक्ट है जिसमें तीन सब्जेक्ट मिले हुए हैं, मूल विधि, पॉलिटी और जीएस। हर सब्जेक्ट के हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट के हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम आपसे बोल दें कि टोटल कितना क्वेश्चन होगा, तो 160 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा, 160 क्वेश्चन होगा। और बेटा हर एक क्वेश्चन हमारा इस बार कितने नंबर का है, 2.5 का है, हर एक क्वेश्चन इस बार हमारे पास ढाई नंबर का है। तो कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन कितने आएंगे, 160, और टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम मार्क हर सब्जेक्ट का 100 नंबर होगा, 400 नंबर का पेपर है, 160 क्वेश्चन आने हैं, और एक चीज और, टोटल टाइम कितना होगा, 2 घंटे, 120 मिनट, 160 क्वेश्चन, मतलब आपके पास समय हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम होगा, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी पेपर में निकालने के लिए। इसके अलावा एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, आप समझिएगा सारी बहुत जरूरी चीजें हैं ये, अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल के रखा है कि हर कैंडिडेट को हर पेपर में, सॉरी हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% नंबर लाने ही लाने हैं। मतलब अगर आपका मैथ सपोज 100 नंबर का है तो आपको पास करने के लिए मिनिमम 35 नंबर लाने ही पड़ेंगे। आपको 35 रीजनिंग में, 35 हिंदी में, और 35 ये चौथे सब्जेक्ट में आपको लाने ही पड़ेंगे। मतलब आपको मिनिमम 140 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज और दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, उसने देखा कि बच्चा बहुत दिन से भूखा है, तैयारी कर रहा है, वो मैथ में पूरा पूरा मार सकता है, रीजनिंग में पूरा पूरा मार सकता है। गवर्नमेंट ने खेल दिया, यहाँ पर खेला गवर्नमेंट ने, क्या बोला गवर्नमेंट, बोल रही है कि आपको ये 140 तो चाहिए चाहिए, मतलब आप हर सब्जेक्ट में 35% तो लाओ लाओ, लेकिन आपको पूरे नंबर्स का 50% भी गेन करना पड़ेगा। मतलब नंबर टोटल कितना पेपर है, 400, अगर हम 50% के बारे में बात कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ गया हमारा, 200। मतलब आपको इन चारों सब्जेक्ट के मार्क मिलाकर के मिनिमम 200 नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो अभी आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम मैथ में 100 लिए हैं, रीजनिंग में 100 लिए हैं, 200 तो हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ क्या आपसे बोल के रखा है कि आपको 200 लाने हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में 35% लाना भी कंपलसरी है। तो इस बार अच्छे से करिएगा, जो अच्छा लगता है वो तो पूरा पूरा करो, लेकिन हर सब्जेक्ट में भी आपको 35% मार्क लाने पड़ेंगे। अब इसके अलावा आप कई बार हमसे बोलोगे कि सर हमारे तो सारे लोगों के नंबर, जैसे 2 लोग आए उनके नंबर सेम आ गए, अब गवर्नमेंट किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी, तो उसका भी इलाज गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या बोल के रखा है कि सपोज 2 कैंडिडेट हैं, राम और श्याम, अब राम और श्याम 2 कैंडिडेट है, बोला राम और श्याम ने कि सर हमारे दोनों के नंबर सेम हो गए, अब क्या करोगे आप, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम क्या चेक करेंगे, एडिशनल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन उसने क्या क्या रखे पिंडू, पहला पॉइंट रखा कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो, या प्रादेशिक सेवा में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। उसने ये 3 कैटेगरी रखी, या तो आपके पास क्या हो, ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी हो, या आप प्रादेशिक सेवा में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हो, तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस पहले मिलेगी। अब एक चीज और, ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन इन दो संस्थाओं से, नीलिट से, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपसे बोल दूं, अब राम और श्याम ने बोला ठीक सर आपकी बात सारी सही है, हमारे सामने इक्वल नंबर आ गए हैं,
हमारी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मैच कर गई है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट बहुत होशियार है इस बार। गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार हम उसे चुनेंगे जिसकी एज ज्यादा होगी, जिसकी एज ज्यादा होगी हम उसे प्रेफरेंस देंगे। तो अब राम और श्याम बोले क्या, सर हम तो जुड़वा हैं, आप बताइए गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस देगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया राम आता है अल्फाबेट में आर से और श्याम आता है एस से, हम राम और श्याम के अल्फाबेटिकल प्लेस ऑर्डर से पहले देंगे कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। तो जो पहले आएगा जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि हमें किसे चुनना है। तो ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये बातें आपको पहले ही पता हो सकती थी कब, जब आप विज्ञप्ति को पूरा पढ़ते। लेकिन बेटा 22-25 पन्ने की विज्ञप्ति आती है, कोई भी नहीं पढ़ता है, लेकिन लिटरली मैं बताऊं वो पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी चीजें होती हैं। आप नहीं पढ़ते हैं और कई बार होता है कि ये सारी समस्याओं से आपको दिक्कतें होती हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं था। पता कैसे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा वो सब कुछ, आपको ना पढ़ना पड़े इसीलिए सारे पॉइंट्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोगों ने पिरो करके एक छोटा सा वीडियो आपके साथ आज शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो कि ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, किस सब्जेक्ट के किस सिलेबस में क्या क्या आता है, आपको कुछ भी जानना हो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, ये जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा, आप इंटरेस्टेड हुए, तो हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, ताकि जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जो महंगी महंगी कोचिंगों की फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हम जरूर सोचेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, गुड नाइट।